जनता को। समस्त महानगरवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी कामना करता हूं कि आने वाला ये नववर्ष समस्त महानगरवासियों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आए, उनको व्यापार में उन्नति मिले, उनकी संपन्नता बढ़े और इस वर्ष शहर के विकास के लिए जो काम रुके हुए हैं वो काम सब अति शीघ्र हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पिता जी, ऐसे कौन से काम हैं जो कि 2017 में आप पूरे नहीं कर पाए, पूरे नहीं हो पाए और उसके बाद में आप 2018 में उनको प्राथमिकता के साथ में पूरे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार जब प्रदेश में बनी तो मुरादाबाद से संबंधित जो समस्याएं थीं वो समस्याएं मैंने उठाई। सबसे पहले मेडिकल कॉलेज की यहाँ समस्या थी, 20 साल से इसकी मांग चली आ रही थी लेकिन मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं आ पाया। सरकार बनने के बाद मैंने प्रयास किया और मेडिकल कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ की। एक पुल यहाँ पे बनना चाहिए शहर में जिससे जाम की समस्या से निजात दिला सकें, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। उस पुल का एस्टिमेट तैयार करा दिया है, शीघ्र ही वो पुल का काम भी मुरादाबाद में शुरू हो जाएगा जो कि लोको शेड से लेके संबल डबल फाटक है। मुरादाबाद में एक सरकारी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, इस क्षेत्र के बच्चों को कोई काम अगर पाता है तो उनको बरेली जाना पाता है तो वो भी बहुत आवश्यक है मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद के विकास के लिए, तो उसके लिए प्रयासरत हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी दिनेश शर्मा जब आए थे तो उनको ये मैंने अपनी डिमांड रखी थी, तो यहाँ घोषणा वो करके गए थे कि ज़मीन आप लोग उपलब्ध कराइए तो मैं मेडिकल यहाँ पे विश्वविद्यालय यहाँ दे दूँगा। उसके अलावा कुछ पुल यहाँ बनने और भी प्रस्तावित हैं। कपूर कंपनी का पुल सबसे इम्पोर्टेंट पुल है, मुरादाबाद नगर को लाइन पास से जोड़ने वाला वो इकलौता पुल है, वो पुल भी नया बने और चौड़ा होके बने इसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। आदरणीय मनोज सिन्हा जी जो रेल राज्य मंत्री थे वो आए थे तो उनसे मैंने वो निवेदन किया था, वो भी यहाँ ये घोषणा करके गए थे कि उस पुल के लिए कुछ प्रशासनिक लेवल पर बाधाएँ हैं, उन बाधाओं को जिला प्रशासन दूर करे तो वो पुल भी शीघ्र बनवा दिया जाएगा। और भी बहुत चीज़ें मुरादाबाद में होनी हैं तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और शीघ्र ही वो सब काम जल्दी ही होंगे। विधायक जी, गोविंद नगर अंडर बाईपास जो बनने का हो रहा था जो कि बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, उसके लिए क्या प्राथमिकता? गोविंद नगर अंडर बाईपास का काम लगभग पूरा हो चुका है, ज़मीन ट्रांसफ़र होनी थी नगर निगम में और रेलवे में, वो ज़मीन ट्रांसफ़र होकर उसकी फाइल दिल्ली जा चुकी है और शीघ्र ही वो फाइल साइन होकर आने वाली है। मैं समझता हूँ 2018 के में ही उस पुल का निर्माण हो जाएगा। क्या क्षेत्र की जनता से आप अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि आने वाले नववर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आज की रात लोग जश्न मनाने के लिए निकलेंगे तो नशीले पदार्थ का उपयोग ना करें और सावधानी के साथ अपने परिवार के साथ जाएं, घूमें और नववर्ष को मनाएं। धन्यवाद।